नए किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हुड आए हुए हैं। ऑटोमेटिकली एक मिनट के अंदर जो है ना वो आपको देगा। सबसे जो मेन आपको हुड है वो इस वीडियो में इसके बारे में हम दिखाएंगे। कपोर मोटर इसके अंदर इस्तेमाल हुई है और अच्छा ब्लोअर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। आप इसको लेफ्ट और राइट करेंगे तो ये फंक्शन चेंज होंगे। आपको एक ऑयल फिल्टर मिलता है साथ जो है ना वो ऑयल को स्टोरेज करने के लिए जो है ना वो धुएं के साथ ऑयल भी चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज सीटीवी। आज हम आपको किचन चिमनी हुड के डिफरेंट जो है वो स्टाइल दिखाएंगे और उनकी प्राइसेस भी दिखाएंगे और एक जबरदस्त फुली स्मार्ट जो है वो चिमनी हुड है वो जबरदस्त वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे। मजीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक हमारी आने वाली वीडियोस वक्त पर पहुंच सके। तो मेरे कमरे देख सकते हैं, कैमरा मैन आपको दिखा सकता है। तो ये बड़े ही जबरदस्त नए किस्म के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हुड आए हुए हैं जो विद इन अ सेकेंड एयर प्रेशर के साथ चलते हैं। और इनकी क्या प्राइजेज हैं, कौन सी कंपनी से हैं, सारा कुछ हम जो है आज उमर भाई से जानते हैं। सबसे जो मेन आपको हुड है वो इस वीडियो में इसके बारे में हम दिखाएंगे। बहुत जबरदस्त हुड है ये। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, मेरा कैमरामैन दिखाए तो हम इससे शुरुआत करते हैं, इसके बाद हम उसकी बात करेंगे। उमर भाई सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को भी बताएं कि ये हुड की क्या प्राइस है, कैसे वर्क करता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आपको जो है ना वो पहले नंबर पे इसमें दो तीन मॉडल आते हैं, एक हाइड्रोलिक हुड है और दूसरा जो है ना वो टी शेप है और तीसरा यू शेप है। तीनों मेरे पास डिस्प्ले पे लगे हुए हैं, तीनों की आपको दिखा दूंगा। पहले नंबर पे टी शेप हुड है जो अक्सर कस्टमर डिमांड करते हैं कि हमें जो है ना वो फ्लैट फिल्टर बिल्कुल जो है ना टी शेप हुड चाहिए, तो इसे टी शेप हुड बोलते हैं। और ये मुख्तलिफ कंपनी में आता है, मेरे पास अभी स्टॉक में जो पड़ा हुआ है HS कंपनी का है। इसमें राडो कंपनी आती है, फ्लेमर्स कंपनी आती है, HS है, इसके अलावा गोल्डन फ्लेम है, ठीक है, नेस गैस, मुख्तलिफ कंपनी आती हैं। अगर ये मेरे पास अभी HS कंपनी का पड़ा हुआ है और ये जो है ना इसकी जो है ना वो आपको बता दूंगे, टच प्लस सेंसर और टच आता है। अभी मेरे पास जो डिस्प्ले पे लगा ये टच है तो ये टच प्लस सेंसर में भी आ जाता है। इसमें आपको वर्किंग दिखा दूँ, जस्ट ऑन ऑफ का फंक्शन है, यहाँ से आपने जो है ना वो करना है, ये ऑफ हो गया और यहाँ से आपने ऑन करना है। ये लाइट का फंक्शन है, जैसे ही लाइट का बटन दबाऊंगा यहाँ से लाइट ओपन हो जाएगी। और साथ में ये स्पीड है इसकी, ये स्लो स्पीड है, तो आप देखेंगे इसकी आवाज़ आना शुरू हो गई है, ऊपर से ब्लोअर भी इसका चलना शुरू हो गया, जिसने जो है ना वो धुआं वगैरह और दूसरा समय जो है ना वो कचरा वगैरह बाहर फेंकना होता है। और साथ में जो है ना ये अभी ये फास्ट लगाएंगे तो फास्ट स्पीड इसकी होगी है। और इसमें टाइम डिले भी, अगर टाइम डिले करना चाहें यानी कि आप जैसे ही टाइम डिले करेंगे तो ये खुद ऑटोमेटिकली एक मिनट के अंदर जो है ना वो ऑफ हो जाएगा। अच्छा, यानी कि डिले जो है वो सिर्फ एक मिनट का बना, एक मिनट का डिले होता है। सारी जितने भी तकरीबन हुड होते हैं उनमें ज़्यादातर एक मिनट का ही डिले होता है। ये देखिए आप, यहाँ से जो ब्लर है ये इनहेल करता है, यहाँ से आप यानी कि जो भी चूल्हे की चिकनाई है और गैस है, घी है, तो सारा कुछ यहाँ से जो चिमनी के थ्रू इनहेल हो जाता है, ब्लोअर इसको सक करता है और इसको बाहर एक्सहेल कर देता है। यहाँ से इसकी स्पीड है, फास्ट है, स्लो है, लाइट को ऑन करने के लिए है और ये ऑफ करने के लिए, इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब ये पीछे हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हुड है, ये इसको हम ऐसे एयर प्रेशर के साथ ऑन करेंगे तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और बड़ा देखें इसकी क्लासी लुक है, जिस तरह एयर सप्लिट एसी ऑन होते थे उस तरह जो अभी ऑन हो गया है। इसके अंदर तीन फंक्शन है, जिसको हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, जब इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो फंक्शन टू हो जाएगा, ये देखें अब करेंगे तो ये फंक्शन थ्री हो जाएगा। ये इसकी स्पीड है ब्लोअर, यहाँ से जो है ब्लोअर इनहेल कर रहा है और ऊपर से जो है वो एक्सहेल करेगा। इसी तरह फंक्शन है, इसको एयर प्रेशर के साथ, मतलब कि खवातीन बाजू का जो रहती हैं वो किचन में वो काम कर रही होती हैं, उनके जो हाथ हैं वो टच सेंसर को नहीं चला सकते, तो उनके लिए बेस्ट वे है कि इसको सिर्फ और सिर्फ वेव करें तो ये ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा। उमर भाई इसको जरा आप भी यूज करके दिखाएं, ऑफ कैसे करेंगे इसको। बिल्कुल, ये टच वाला सेंसर है, सेंसर तो आपको दिखा दिया है, अभी अब टच करके भी दिखा रहा हूँ तो वर्किंग चेंज कर रहा है इसकी ना। तो सिंपली अगर आप इसको लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये फंक्शन चेंज होंगे, F1 है, फिर F2 हो गया और फिर F3 हो गया। और सेम सिंपली है, ये लाइट का फंक्शन है, जैसे इसको दबाएंगे लाइट ऑफ हो जाएगी और ये लाइट का दोबारा लाइट ऑन हो गई है। टाइम डिले है इसके ऊपर, ये एक मिनट का टाइम डिले आ गया, तो अगर इसको ऑफ करेंगे तो सेंसर भी ऑफ करेंगे तो लेफ्ट राइट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा और इसका जो हाइड्रोलिक है वो क्लोज होना शुरू हो जाएगा। जी व्यूअर्स देखिए, बड़ा ज़बरदस्त है, जैसे AC स्प्लिट ऑन होते थे वैसे इन्होंने ये इसकी पुली टाइप बनाई हुई है और इसको ऑन कर लेते हैं, एयर प्रेशर के साथ ही ऑन होता है, एयर प्रेशर के साथ ही ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद हमारे पास ये थर्ड हुड है,
इससे पूछ लेते हैं कि इसका क्या काम है और ये थोड़ा सा सिंपल होल्ड मुझे नजर आ रहा है, जी यू शेप इसे बोलते हैं, सिंपल हुड है, यू शेप बोलते हैं। तो इस हुड की आपने प्राइस वो पूछी है, इसकी प्राइस बता दी तो चले बाद में बता देंगे। तो ये सिंपली यू शेप है, यू शेप हुड है, तो इसका भी आपको बता दूं, सिंपल वही है, लेफ्ट टू राइट है सारे, तकरीबन 90% हुड जो है ना वो लेफ्ट टू राइट काम करते हैं। तो जैसे ही लेफ्ट टू राइट किया तो ऑन होना शुरू हो गया इसका ना। तो ये भी एयर प्रेशर सेंसर के साथ है, बिल्कुल एयर प्रेशर सेंसर के साथ है, कपर मोटर इसके अंदर इस्तेमाल हुई है और अच्छा ब्लोअर इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें भी तीन फंक्शन है, मतलब कि स्पीड जो है उसकी अप एंड लो करती है, ज्यादातर जो है ना वो तीन स्पीड वाले ही आते हैं हमारे पास, ज्यादातर जितने भी हैं वो तीन स्पीड वाले ही होते हैं। ये भी HS कंपनी का ब्लोअर है और आप देख सकते हैं कि बड़ा जबरदस्त इन्होंने इसका व्यू भी बनाया हुआ है, इसका डिस्प्ले भी है और इसको किचन में लगाते हैं और यहाँ से ये इनहेल करता है, उसके बाद ऊपर से इनहेल करके चिमनी बना के जो जो होता है धुआं उसको इधर आउट कर देता है। अच्छा अब उमर भाई हमें बताएं आप इन तीनों की प्राइसेस क्या है। सबसे पहले आप हमें यू शेप की प्राइस बताएं। हाँ जी, यू शेप की प्राइस बताता हूँ, अभी ज़्यादातर मॉडल मेरे यू पे यू शेप ही लगे हुए हैं। HS कंपनी की सबसे कम प्राइस हमारे पास है, ये 24,000 रुपये का हुड है, टच प्लस हैंड सेंसर के साथ जो है ना वो मिलेगा आपको 24,000 का, मुकम्मल एक्सेसरीज के साथ, इसमें पाइप होगा और ये मुकम्मल किचन हुड होगा, इसमें बोल्ट वगैरह भी साथ होंगे। अच्छा हमारे व्यूअर्स को ये डॉल्फिन का जो बड़ा ज़बरदस्त हुड था इसकी भी प्राइस बताएं और क्या क्या जी एसेसरीज वही है। इसमें जो है ना आपको एक ऑयल फिल्टर मिलता है साथ, जो है ना वो ऑयल को स्टोरेज करने के लिए है, बस जो है ना वो धुएं के साथ ऑयल भी चला जाता है और यहाँ पे स्टोर हो जाता है आके। और इसमें बाकी जो है ना वो पाइप होता है साथ इसके, और ये कवर होता है जो बैक कवर है जो पाइप को कवर कर देता है ताकि पाइप नजर ना आए। ये मुकम्मल एसेसरीज के साथ जो है ना ये आपको 45,000 रुपये का डॉल्फिन कंपनी का मिलेगा, और हमारे पास राडो कंपनी का भी होता है, राडो कंपनी का 50,000 रुपये का मिलेगा। और हमारे व्यूअर्स को ये जो सबसे पहला दिखाया था इसकी प्राइस भी बताएं ताकि इनको तीनों की प्राइस का डिफरेंस। अजी ये HS कंपनी का जो हुड है टी शेप का, ये मेरे पास जो है ना ये आपको मिल जाएगा 30,000 रुपये का HS कंपनी का, और अगर राडो या फ्लेमस कंपनी का चाहिए तो वो 45,000 रुपये का मिलेगा। अच्छा उन कंपनीज के रेट का डिफरेंस क्यों? उसमें इसमें सिर्फ जो है कि टच प्लस सेंसर है, उसमें जो है ना इसमें सिर्फ टच है, उसमें टच प्लस सेंसर होगा, ठीक है, उसमें वो ऑटो क्लीन सिस्टम भी उसके अंदर होगा। और इसमें ऐसा आपने उमर साहब की बात सुनी, ब्रांड कॉर्पोरेशन का आज हमने फिर आपको विजिट करवाया और इसके अंदर हमने आपको तीन हुड्स दिखाए हैं, किचन हुड जो हैं ये नए स्टाइल के हुड्स आए हुए हैं, तो आजकल जो है वो बहुत दिन दिए हैं, क्लासी हैं, लुक बेहतरीन है, जो प्राइस है उसकी वो भी बहुत मुनासिब है। और यहाँ से आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो होलसेल प्राइस में मिलेंगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी हम नीचे दे देंगे इब्राहिम कॉर्पोरेशन का, आप उनसे डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, हमारे रेफरेंस से बात करेंगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।